अश्लील मुक्त भोजपुरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर अश्लील हट जाए तो अच्छी बात है ना भाई, अपने आसपास में सफाई रहेगी ना। तो ये मगहिया जवान जो है समर सिंह और गौतम, इनके द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है या नहीं? बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत अच्छा काम। भोजपुरी ये फिल्म जब से निकलना शुरू हुआ है तभी से हम लोगों का मान मर्यादा प्रतिष्ठा, जो लोग बिहार के बाहर भी रहते हैं उन सबको भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि बिहार में तो ऐसे गाना गाया जाता है। तो खेसारी जी के बेटी के नाम पर एक गाना चला था कुछ दिन पहले, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख लगा। और वो खुद गाते हैं कि चाची के बाती सपनवा में आती जी है। जी उनका घर नेपाल में ही पड़ता है। हाँ अच्छा। मैं बचपन से बीरगंज में ही रहा हूँ। अच्छा बीरगंज नेपाल। हाँ तो आप तो सोम्या पोखरेल को और ज़्यादा जानते होंगे। हाँ ऐसे ही, अब ना नहीं कोई खास नहीं है कि उसको जाने हम, ठीक है। सही बात है, वो कुछ है ही नहीं, ठीक है। दो रील्स बनाने अपना शरीर दिखाने से उसको अपना पीठ दिखाई हो तुम कि लोग जान जाएंगे भाई कि भाई सोम्या पोखरेल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस न्यूज एक्सप्रेस में और तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क में। अभी हमारे साथ दो युवा हैं, बिहार के युवा है और एक मानवाधिकार संगठन से भी जुड़े हुए हैं जो कि काफ़ी जन समस्याओं पर अपना आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आज जब हमने इनसे मिला तो इनको देखने के बाद ऐसा लगा कि भोजपुरी में आजकल जो पूरा अश्लील भाषा ही बना दिया है भोजपुरी के कलाकारों ने, भोजपुरी को इतना अश्लील लहंगा चोली और ब्लाउज पे ला के सिमटा दिया है ये लोग कि लोग के मस्तिष्क में गंदगी भर चुका है। और एक इसी बीच में फेसबुक पे एक पेज है मगहिया जवान के नाम से, जो इनके द्वारा अश्लील मुक्त भोजपुरी बनाने के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया जाता है। तो ये लोग जो हैं मगहिया जवान को काफ़ी चाहने वाले लोग हैं, तो इनसे ये जानेंगे कि क्योंकि मगहिया जवान अश्लीलता अश्लील मुक्त भोजपुरी बनाना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं भोजपुरी में जो मगहिया जवान का ही विरोध करते हैं, जो समर सिंह हैं और ये गौतम जी जो हैं इनका लोग विरोध करते हैं, ये लोग अश्लीलता का विरोध करते हैं और ये लोग उन्हीं का टांग खींचने का काम करते हैं कि भोजपुरी से अश्लील भाषा कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। खेसारी लाल यादव कभी ट्वीट करते हैं कि भोजपुरी से अश्लील कभी ख़त्म हुआ है ना होगा, हो जाएगा तो क्या आप लोग शादी में अपने अपने शादी में राम धुना हनुमान चालीसा बजाइएगा, ऐसा खेसारी लाल यादव के द्वारा, यानी कि भोजपुरी के अश्लीलता को ये लोग हनुमान चालीसा और राम के नाम से ये लोग तुलना कर देते हैं। उनके काम को पसंद करते हैं, ठीक है, वो अच्छा काम करता है बंदा, तो अच्छी बात है भाई, उसका सपोर्ट करो। अच्छा अश्लील मुक्त भोजपुरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर अश्लील हट जाए तो अच्छी बात है ना भाई, अपने आसपास में सफाई रहेगी ना। अच्छा अश्लील भोजपुरी गाना जो बनता है उससे हमारे समाज पे क्या असर पड़ता है? अब जो सुनिएगा वही सीखिएगा, जो सुनिएगा वैसा ही सीखिएगा, पूरा भाषा अश्लील है तो जिस प्रकार से हम सुनेंगे वैसा ही समझेंगे। अच्छा तो ये मगहिया जवान जो है समर सिंह और गौतम, इनके द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है या नहीं? बहुत अच्छा काम कर, बहुत अच्छा काम किया, तो आप मतलब इनके साथ में है? हाँ हमेशा समर्थन रहेगा। और जो लोग इनका टांग खींचने का काम कर रहे हैं उनको क्या कहिएगा आप? उनको कहते हैं कि भाई देखो कुछ अच्छा तो कर नहीं सकते हो तुम, तो जो कर रहे हैं उनको अपने तरफ से विरोध ना करो और सहयोग जहाँ तक होता है करो, और नहीं होता है तो भाई अपने घर में खाना पीना खाओ टाइट से सो, क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ पे एक व्यक्ति और है, इनसे भी हम सबसे पहले परिचय करवाते हैं इनका। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राष्ट्रवादी ओम प्रकाश सिंह, तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क के माध्यम से हम आप लोगों के बीच आज उपस्थित है। सबसे पहले मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आज भैया ने बहुत अच्छा बात उठाया जो अश्लीलता मुक्त भोजपुरी समाज के बारे में, भोजपुरी समाज बहुत ही विगत माने जन्मों जन्म से चली आ रही है और इनको दुनिया में सभी जगह यहाँ के वासी पाए जाते हैं। और अपने यहाँ के भोजपुरी ये फिल्म जब से निकलना शुरू हुआ है तभी से हम लोगों का मान मर्यादा प्रतिष्ठा, जो लोग बिहार के बाहर भी रहते हैं उन सबको भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि बिहार में तो ऐसे गाना गाया जाता है। तो एक मगहिया जवान नामक एक पेज है और उनको बहुत सारे वीडियो हम लोगों ने देखा, गौतम भाई और समीर भाई को, समर भाई, हाँ समर भाई, दोनों को, दोनों का जज्बात और जज्बा मैं देखा। कोई दो लड़का जो अश्लील मुक्त अश्लीलता पे सवाल उठाया और अश्लील मुक्त की योजना से उस पेज को आगे बढ़ाया, तो आज तक हमने देखा कि वो उसी गाना को, जो गाए हुए गाना को कटिंग करके दिखाते हैं कि देखो भाई तुम यहाँ पर गलती हो। हाँ हुआ है। और मान लीजिए कि खेसारी जी के बारे में जो कहें, तो खेसारी जी के बेटी के नाम पर एक गाना चला था कुछ दिन पहले,
तो उनको बहुत ज्यादा दुख लगा। और वो खुद गाते हैं कि चाची के बाती सपनवा में आती जी जी वही वही वही, वही बहुत सारा वैसा नहीं समझे। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उनके जैसे उनकी बेटी है वैसे समाज की हर मनुष्य का बेटी वैसा ही है और उसका भी उतना इज्जत मान प्रतिष्ठा बराबर है। तो अगर हम लोग अगर बात करें तो आज के डेट में कोई ऐसा कलाकार भोजपुरी में नहीं बचेगा जिस तरह से एक केस करने की बात करते हैं और केस करते हैं। हमारी बहन का नाम, आपकी बहन का नाम, इनके बहन का नाम, बिहार के जितने भी बहन हैं, माता है, जितने भी हमारी माँ समान है, बहन है, और जो युवा लड़की औरत है, सभी के नाम पर आज आप देख लीजिए कि कितना अश्लील गाना गाया हुआ है। वो सब एक एक FIR अगर दर्ज होता है तो भोजपुरी में कोई नहीं बच सकता है। जी दर्जनों से ज्यादा। अच्छा, तो ये मतलब ये मगहिया जवान, आपके द्वारा कहना है कि मगहिया जवान के द्वारा काफी अच्छा काम किया जा रहा है। अच्छा, कि अच्छा दो लोग मिलकर के भोजपुरी को अश्लील मुक्त करना चाह रहे हैं। जी, जी। तो कुछ लोग उनका विरोध क्यों कर रहे हैं, उनको गाली क्यों दे रहे हैं, उन लोगों को क्या कहिएगा आप? उन लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए सर, हम बताते हैं वो कैसा होता है। उनको गाली बोलने वाला जो एक खेसारी लाल यादव जी के जो अमचा चमचा जो भी होते हैं, उनको आप चमचा ही हम बोल सकते हैं, वो सब होते हैं उनके द्वारा कहने पर, उनके कहने पर इनके ऊपर अश्लील भाषा का प्रयोग करके वीडियो बना दिया जाता है। उनके बहन के नाम से, उनके भाई के नाम से, उनके माँ के नाम से, उनके सभी के नाम से उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है और एक समाज उसमें जुड़ जाता है, यादव समाज। और ये काफ़ी जातिवाद भी करते हैं। हाँ, ये जातिवाद पर इनका आज तक आपने देखा होगा, आप रिपोर्टर हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि खेसारी लाल यादव का कोई ऐसा फिल्म नहीं निकला होगा जो बिना विवाद को हिट हुआ हो। विवाद में ही घिरा रहता है और ज़्यादा करके जातिवाद का विवाद। जी जी जी। और एक समाज की जो मैं बात करने जा रहा था, यादव समाज उनसे जुड़ जाते हैं क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं। तो मैं उन यादव समाज को भी कहना चाहूँगा कि उनके ही घर में जितने नाम हैं उनके बहू बेटियों को, सिर्फ वही नाम पर वो पूरे भोजपुरी में देख ले कि उनके बेटी बहू का नाम लेके अश्लीलता गाया गया है कि नहीं। इसके बाद वो उनका फैसला हम उन्हीं पे छोड़ेंगे। अच्छा, वैसे कुंठित मानसिकता वाले लोगों को क्या कहिएगा जो इस प्रकार के अश्लील गाना को मिलियन में लोग ट्रेंड करा दे रहा है? उनको 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 हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपने माँ बहन को एक बार जरूर देखें। उनको बढ़ावा देने से पहले ख्याल जरूर करें अपनी माँ और बहन के बारे में, उनसे वो कभी नहीं हो सकता है। और सरकार से हम नीतीश जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार से हम निवेदन करते हैं कि वो इनमें अश्लील मुक्त पर ऐसा एक ठोस कदम उठा के और एक वो कानून पारित करे जिसमें अश्लीलता अगर पाया जाता है तो उसका कैरियर उस कलाकार का खत्म कर दिया। जब इनका कहना है कि भोजपुरी के अश्लीलता को रोकने के लिए एक सरकार के द्वारा सेंसर बनाया जाना चाहिए ताकि गाना जो बने उस गाना का जांच हो, अगर नहीं अश्लील हो तभी उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या जहां भी रिलीज किया जा सके, उस उन कलाकारों को भी सीख लेने की जरूरत है। अब ये भाई साहब को सौम्या पोखरियाल के बारे में बोलना चाह रहे हैं, बोलिए क्या? वो बोली कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं भाई। बहुत सारा उनका रील्स देखा मैंने न्यूज पे, जो पवन सिंह के गाना पे बनाई थी। हाँ, तो ठीक है, फिर भी नहीं जानती मान लिए, और जानने का जरूरत कहाँ है आपको? और सोनिया आप बहुत बच्चे से जानता है ये उनके बारे में पूरा कहा। अच्छा, मतलब आपका ये घर नेपाल में ही पड़ता है? हाँ। अच्छा। मैं बचपन से बीरगंज में ही रहा हूँ। अच्छा, बीरगंज नेपाल। हाँ, आप तो सोम्या पोखरियाल को और ज्यादा जानते हैं? ऐसे ही, अब नहीं कोई खास नहीं है कि उसको जाने हम। ठीक है, सही बात है, वो कुछ है ही नहीं। ठीक है, दो रील्स बनाने अपना शरीर दिखाने से, ठीक है, उसका वो क्लिप देखे कि मेरा पीठ देख के कोई जान जाता है कि सोम्या पोखरियाल है। अरे कितनों को अपना पीठ दिखाई हो तुम कि लोग जान जाएंगे भाई कि भाई सोम्या पोखरियाल है। अच्छा, वो एक बार कह रही थी कि उनसे कोई रिपोर्टर पूछ दिया कि मतलब इतना दिन शादी के हुआ आपको बच्चा क्यों नहीं हुआ, तो बोली कि खेसारी के साथ काम करेंगे तो हमारा बच्चा हो जाएगा। मान लिए कि छोड़िए, वो आदमी से मिस्टेकों में बोला जाता है कि ज्यादा खुश हो गई होगी तो जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल दी होगी, वो कुछ है ही नहीं तो उसको बोलने का कैसे ढंग रहेगा। सही बात, इंसान कुछ हो तभी तो उसे बोलने का पता रहेगा भाई, लहजा में बोलेगा क्या बोले हम क्या नहीं, पता होना चाहिए ना क्या बोले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो माने जब तक वो ये भाषा का प्रयोग नहीं करती जिसको हम नहीं जानते हैं, पवन भैया के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसको कोई जानता भी नहीं जानता। मतलब पवन सिंह का नाम लेके चमक गए, सिर्फ उनके नाम ले लेने से उसको पूरा इंडिया नहीं पूरे विश्व में लोग समझ गए।
सिर्फ उनके एक नाम ले लेने से पवन भैया को जानती है नहीं जानती है, उसने ये जरूर बोली कि हम नहीं जानते हैं किसी को पवन सिंह के बारे में, पवन भैया के बारे में, सिर्फ उतना ही के चलते वो इतना फेमस है। सही बात है, मतलब इतना फेमस भी नहीं हुई, छोटी सी एक्टर का काम मिला भाई, तुमको अच्छा से काम करना चाहिए था, पवन सिंह को नहीं जानती हूँ कहने से। बताइए जिस इंडस्ट्री में काम करने जाती है, बादशाह पवन सिंह किंग को ही नहीं जानती, किंग है उसका, उसी को नहीं जानती है। पूरी भाषा को पवन सिंह के वजह से पूरा दुनिया में जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है। सही बात है उनका पवन सिंह, हाँ हाँ, वर्ल्ड में कितना भाषा है हम लोग जानते ही नहीं है। सही बात, हमको नहीं पता है वर्ल्ड में कितना भाषा है, पर हाँ जो भोजपुरी गाना सुनते होंगे उनको जरूर पता है कि भाई भोजपुरी ठीक है, और पवन सिंह इतना तो जरूर जानती है, जानता है लोग। सही बात, चलिए तो कहीं ना कहीं मतलब इतने जो नीच मानसिकता वाले कलाकार हैं, अश्लील गाना जो गाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सुधरने की ज़रूरत है, और भोजपुरी हमारी जो माटी से जुड़ी हुई भाषा है इसको ऊपर ले जाने का काम कीजिए, और ऊपर ले जाने का काम आप लोग नहीं कर सकते हैं अच्छा तो इतना अश्लील करके इसको गिराने का काम नहीं कीजिए, इसको डुबाने का काम नहीं कीजिए, और जो लोग भोजपुरी के लिए अच्छे कर रहे हैं उनको सहयोग कीजिए, और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों का भी धर्म बनता है कि उनका सहयोग करें। तब तक के लिए बने रहे।